कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया के 199 देश कोरोना की चपेट में हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में कुल 7,21,902 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 33,965 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे यूरोप में कोरोना कहर लगातार बरपा रहा है। पूरी दुनिया में रविवार को स्पेन में सबसे ज्यादा 821 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 264 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। यूरोप का देश स्पेन कोरोना का नया केंद्र बन चुका है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 821 लोगों की मौत हो गई और कुल मौत का आंकड़ा 6,803 तक पहुंच चुका है, जबकि स्पेन में अब तक कुल 80,110 लोग संक्रमित हैं। ईरान में कोरोना से 123 और लोगों की मौत हुई है। इस तरह ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,640 हो गई है। वहीं चीन के वुहान में रहने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि सिर्फ उनके शहर में करीब 42,000 लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है। हालांकि चीन सरकार का यह कहना है कि कोरोना वायरस से पूरे देश में सिर्फ 3,300 लोगों की जाने गई हैं। लगातार यह आंकड़ा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है।